कटरीना सलमान की जोड़ी फिल्म टाइगर जिंदा है में एक बार फिर नजर आने वाली है। इस फिल्म के ट्रेलर और गानों में सलमान और कटरीना की केमिस्ट्री देखते ही बन रही है और आजकल ये दोनों स्टार्स अपनी फिल्म का प्रमोशन जोरों शोरों से करने में लगे हुए हैं। बता दें कि हाल ही में इस फिल्म के ही प्रमोशन के सिलसिले में सलमान और कटरीना डांसिंग रियलिटी शो डांस चैंपियंस के सेट पर पहुंचे, लेकिन वहां कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से सेट में कटरीना इमोशनल हो गई और खूब रोने लगी। अब आप भी यही सोच रहे होंगे आखिर ऐसा क्या हुआ, तो आपको बता दें ये सब सलमान खान की वजह से हुआ है। जी हाँ, दरअसल इस शो के कंटेस्टेंट ने सलमान की फिल्म तेरे नाम के टाइटल सॉन्ग पर परफॉर्मेंस दी, जिसे देखकर कटरीना काफी इमोशनल हो गई। कटरीना इस दौरान इतनी इमोशनल हो गई कि शूटिंग को 10 मिनट के लिए रोकना पड़ा। इसके बाद सभी ने कोशिश की कटरीना के आंसू बंद हो जाए, लेकिन कोई भी इस काम को अंजाम नहीं दे सका। बस फिर क्या, कटरीना के टाइगर आए और उन्हें अपनी परफॉर्मेंस से रोती हुई कटरीना के चेहरे पर मुस्कान ला दी। जी हाँ, सेट पर मौजूद एक सोर्स ने बताया कि शूटिंग के दौरान कटरीना काफी इमोशनल हो गई। इसके बाद सलमान ने अपनी फिल्म सुल्तान का गाना चक घूमिया पर परफॉर्मेंस दी और डांस करते हुए वो बार बार कटरीना की ओर ही पॉइंट कर रहे थे। इसके बाद दोनों ने फिल्म मैंने प्यार किया के गाने दिल दीवाना पर परफॉर्मेंस किया। वैसे कहना गलत नहीं होगा कि कैट और सलू की केमिस्ट्री ऑफ स्क्रीन ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी देखने को मिलती है। बात करें टाइगर जिंदा है की, तो ये फिल्म 2012 में आई हिट फिल्म एक था टाइगर का सीक्वल है और ये फिल्म 22 सितंबर को थिएटर्स पर दस्तक देगी। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा क्या इस बार भी जोया और टाइगर की जोड़ी धमाल कर पाती है या नहीं। आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा और बॉलीवुड से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए NMF न्यूज़।